अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्तफ़ा असनी, आप देख रहे हैं अब टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्वेटा कराची शाहरा पर। इस वक्त जो ये मकाम है कोस्ट गार्ड और पाकिस्तान कस्टम और इसके साथ साथ रेंजर्स का जो चेक पोस्ट है, यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पिछले जो है 17 से 18 घंटे गुजरने वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इस जो शाहरा को है बंद किया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी यहाँ पर जो है आमदोरफ्त होती है, यहाँ से जो क्वेटा कराची शाहरा के लिए ये गाड़ियाँ यहाँ से मुसाफिर गुजरते हैं, उसके साथ साथ ग्वादर तुर्बत के लिए भी यहीं से, उसके साथ साथ जो हब के फैक्ट्री वगैरह हैं उनके लिए भी यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। आज ये इतने घंटों से बंद होने के बावजूद इस वक्त तक जो है मोचको सईदाबाद पुलिस, उसके साथ साथ हब इंतज़ामिया की जानिब से भी असिस्टेंट कमिश्नर, उसके साथ साथ हब के ट्रांसपोर्टर्स हजरात, सियासी समाजी जो शख्सियात हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स है क्वेटा कराची जो है मुसाफिर बसों के जो मालकान हैं वो पिछले कई घंटों से ये बैठे हैं। उनका कहना है कि गुज़श्ता रात जो है कस्टम की कार्रवाई से जो है कराची के इलाके ली मार्केट में कार्रवाई की गई, जिसके बाद उनके कोच को सामान समेत जो है लेकर आया गया यहाँ पर। उनका ये कहना है कि वो उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि कस्टम एहलकार, कस्टम अफसरान जो है उनसे भत्ता वसूल किए जाते हैं, लाइन लिया जाता है उनसे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो है इस तरह के जो चेक पोस्ट है यहाँ से गुजार कर फिर जो है शहर के अंदर इस तरह की कार्रवाई जो है समझ से बालातर है। इस वक्त तक काफ़ी लोग जो है आ रहे, अफसरान आ रहे हैं, मुख्तलिफ रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, मुख्तलिफ जो है दीगर इदारे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, मुसाफिर जो है काफ़ी मुश्किल से हैं, मुतबादल रास्ते की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से गुजारा जाए, लेकिन जो है इस वक्त परेशानी अपनी जगह, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त ये कह रहे हैं कि वो इस कोच को अपने जो है यहाँ पर आग लगा देंगे ताकि इस तरह से वो जो महंगाई है उससे भी जो है इनका गुजारा मुश्किल से होता है, लेकिन इस तरह इनको भेजा चेक पोस्टों पर जो तंग किया जाता है उससे बेहतर है कि वो इस तरह से अपने ट्रांसपोर्ट में जो इस्तेमाल की जाने वाली कोचेज़ हैं उसको आग लगा दें। तो इनके साथ जो है मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं अब क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। आवाम की जानिब से ये कहना था कि आवाम का ये कहना है कि चेक पोस्ट अपनी जगह पर, ट्रांसपोर्टर्स, लेकिन पिस्ता आवाम है, परेशान आवाम है, उनका कहना है कि इदारों को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इनसे मुज़ाकरात करें ताकि ये जो मुसाफिर हैं उनकी परेशानी दूर हो सके। फिर जो एक बोतल पानी 100 रुपये भी हम लोगों को मिलेगा, ना कोई होटल ले ना कोई हो, हम लोग बहुत तंग है, आप लोगों का बहुत मेहरबानी, ये रास्ता खोलो। तो ये क्या समझते हैं, रोड बंद करना सही है या चेक पोस्ट जो है ये नाजायज करते हैं? ये खामा खा इन लोगों से या नाजायज हुआ है या नहीं हुआ है और मुझे पता नहीं है, तो अभी जो ये रास्ता बंद है इसको खोलो, मेहरबानी करो। ठीक है, पुलिस वाले हमारे को तंग करते हैं और कस्टम वाले तंग करते हैं, देख ये बत्ता हमारे को दिया हुआ है उसने, ये पर्ची का हर जगह ये 300-400 रुपए ये लेते हैं। ठीक है, ये कौन लेता है ये आपसे? ये यूनियन वाले को, इनका यूनियन बना होता है। अच्छा। ठीक है, उधर जाते हैं तो फिर तंग करते हैं, बोला डीजल डलवा के आ रहे हो, हम लोग किधर जावे यार। हाँ, ये कस्टम वाले अलहदा पैसे लेते हैं और पुलिस वाले वकरे अलहदा पैसे लेते हैं, हम लोग किधर जावे यार, कोई तो हमारा ख्याल करोगे ना। रात को माल चोरी होते हैं, दिन को पुलिस वाले हमारे को तंग करते हैं और किधर जावे हम लोग यार। जी नाज़रीन, 17 घंटे बंद होने के बाद अब जो है रोड को खोल दिया गया है। कराची पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर हब समीउल्ला आगा, रेंजर्स के मेजर उस्मान समेत मुख्तलिफ इदारों के जो अफसरान थे उन्होंने जो है ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात किए। उनका कहना था कि जो है कस्टम जो अगर इस तरह से कस्टम ने नाइंसाफ़ी की है
तो इस मुतालिक जो है उसके इदारे को लेटर दिया जाएगा और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से दरख्वास्त दिया जाएगा कि इस तरह ये चेक पोस्ट पर जो है नाजायज़ यहाँ के मुसाफिरों को या ट्रांसपोर्टर्स को तंग किया जाता है, जिसके बाद जो है ट्रांसपोर्टर्स ने मुज़ाकरात कामयाब होने पर रोड को जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। अब जो है यहाँ से ट्रैफिक रवा दवा है और जो है पीर या मंगल का दिन दे दिया गया है ट्रांसपोर्टर्स को कि उनके और कस्टम माबेन जो भी जो मामला थे उनको हल किया जाएगा। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा असली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।